बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोकडू फूड किचन में आपका वेलकम करते हैं। तो आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो है फ़िश। फ़िश का तरीका थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, झटपट बनने वाली है। तो जो है ना, उनके लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरह मैंने फ़िश ली है, तो उस तरह उसे जो है ना इस तरह के है ना पीस बनवा ली हैं। ये देखें, इस तरह से बस दो हिस्से ही किए हैं। हल्का सा मसाला मैंने इसे लगा के रखा था दो घंटे पहले आई है, तो इसे नींबू, नमक, मिर्ची और ये बस नमक थोड़ा सा कम लगाया था, नमक इसे लगा हुआ होता है। हल्का सा मसाला एक घंटा पहले लगा के हमने रख दिया था इसे। तो अब जो है ना इसे जो मसाला हम लगाने वाले हैं, आधी कटोरी दही की रखी है हमने, आधी कटोरी दही में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला के बाद ऐड करेंगे इसमें लाल कुटी हुई मिर्च एक चम्मच, एक चुटकी नमक। नमक वैसे भी ऑलरेडी लगा हुआ था मछली को, तो उसके बाद मसाले में भी डला है, ये मैंने बस एक चुटकी इसमें ऐड किया है कि नमक तेज़ ना हो जाए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें इसमें। और नींबू के रस तकरीबन दो चम्मच है, वो दही में ऐड कर दिया हमने और इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेसन एक चम्मच और एक आधा चम्मच और। तो अब इसे मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, झटपट बनने वाली है, जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। 5 मिनट में हमारी मछली तैयार। और ये देखें, इस तरह से पेस्ट बन गया है। दो पीस इस तरह कट तो लगा हुआ है, अब जो है ना मैं इसे दो पीस बना लूँगी इस तरह। ये दो पीस बन गए और इसके बाद जो है ना ये मसाला हम जो दही में जो मसाले आपके सामने ऐड किए हैं वो इसे लगाएंगे। फिर इसकी साइड बदलेंगे, दूसरी तरफ लगाएंगे। आप इसे ये मसाला लगा के इसे जो है ना फ्रीज भी करके रख सकते हैं, दूसरे दिन भी बना सकते हैं, या फ्रीज करके बाउल में रख दे बंदा कट्ठी मछली को, तो जो है ना जिस वक्त जितनी ज़रूरत पड़े, मेहमान आ जाएँ या बच्चों को ज़रूरत हो किसी को, तो बंदा जो है ना जैसे पीस उठाता है तो इसे फ्राई किया और बच्चों को दिया। ये देखिए, मसाला इस तरह हमने लगा के रख दिया इसे। अब इसे जो है ना एक घंटे के लिए रख दूंगी मैं, आधे घंटे के बाद भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं जो है ना इसे एक घंटा रखूंगी, एक घंटे के बाद फ्राई करेंगे इसे। और फ्रीज़र में नहीं रखनी, फ्रिज में भी नहीं रखनी, रूम टेम्परेचर में रखनी है। और इसे मैं ढाँप के रख दूँगी इस तरह। एक घंटा हो गया है मछली को रखे हुए, तो जो है ना अब मैं इसमें घी कढ़ाई रख दी है, चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब इसमें घी ऐड करेंगे, ये देखिए घंटा हो गया इसे आराम से, घंटा हो गया है। अब मैं जो है ना इसे फ्राई करूँगी। और इसे जो 5 मिनट में एक तरफ से इसे फ्राई करूँगी, 5 मिनट के बाद के दूसरी साइड बदलेंगे। अब इसकी दूसरी साइड बदलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और ये देखें मछली हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। फिश लीमू फिश और लीमू वाली फिश बहुत अच्छी बनी है, मज़ेदार बनी है, बन के तैयार हो गई है। झटपट बनने वाली चीज़ है, 5 मिनट में तैयार हो जाती है और ज़बरदस्त रेसिपी। तो इसमें कोई पानी शानी भी ये देखें नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार बनी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है। ये देखें बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह से। तो ये ले आप खाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो जो है ना, तो बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप हमें बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आप बनाएं, आप बना के खाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी।